Hello viewers, myself Renuka Sharma from Government Women's Polytechnic College Ajmer, lecturer Beauty Culture. आज का हमारा विषय है वक्ष गुहा, कौन कौन सी बोन से मिलकर हमारी थोरेसिक कैविटी बनती है। थोरेसिक कैविटी को पढ़ते समय हमने सबसे पहले हम रिब्स के बारे में जानेंगे। रिब्स क्योंकि ट्रंक की बोन होती है, यह संख्या में 12 जोड़ी होती है। इसमें 12 एक तरफ राइट तरफ और 12 लेफ्ट साइड में पाई जाती है। यह सारी रिब्स पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा यानी वक्ष कशेरुकाओं से जुड़ी हुई होती है। आगे से 7 रिब्स यानी 7 पसलियां स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। रिब्स, स्टर्नम और थोरेसिक वर्टिब्रा आपस में मिलकर वक्ष गुहा का निर्माण करती है। पसलियों के स्टर्नम से जुड़े होने की स्थिति के आधार पर इन्हें 3 प्रकार की कहा जाता है। सबसे पहले ट्रू रिब्स यानी वास्तविक पसलियां, प्रारंभ की 7 पसलियां इवन 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 पसलियां स्टर्नम से सीधे जुड़ी हुई रहती है, आगे की ओर से स्टर्नम से सीधे जुड़ी हुई रहती है और पीछे की ओर से यह वक्ष कशेरुकाओं से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें वास्तविक रिब्स कहा जाता है। इसके आगे की 8, 9 और 10 यह पसलियां आपस में एक दूसरे के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है, जैसे 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। इस तरह से ये एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई रहती है, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स या अवास्तविक पसलियों के नाम से इसे जाना जाता है। लास्ट की 11th और 12th रिब यानी यह पीछे से तो थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती है, लेकिन आगे की ओर से यह स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है। यह हवा में फ्लोट करती रहती है, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसलियों के नाम से जाना जाता है। रिब्स की विशेषता होती है, यह लंबी बोन होती है जिसमें 2 एक्सट्रीमिटीज व 1 शाफ्ट पाया जाता है। प्रत्येक रिब के मध्य में इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, यानी 11 इंटरकोस्टल मसल्स इनके मध्य में पाई जाती है। यह इंटरकोस्टल मसल्स 2 प्रकार की होती है, बाहरी इंटरकोस्टल मसल और आंतरिक इंटरकोस्टल मसल्स। यह इंटरकोस्टल मसल्स जब बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण कराया जाता है वह फुफ्फुस में पहुंचती है, तो फुफ्फुस को जगह देने के लिए यह बाहरी इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ती है, जिससे यह पसलियां बाहर की ओर आ जाती है और फुफ्फुस को जगह मिल जाती है और श्वसन के गैसों के आदान प्रदान के पश्चात यह आंतरिक इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ना शुरू होती है, जिससे यह पसलियां वापस अपने स्थान पर आती है और जिसपे लंग्स पर प्रेशर पड़ता है और वह वायु वापस शरीर से बाहर निकल जाती है। बोन्स ऑफ द ट्रंक की नेक्स्ट बोन है स्टर्नम, है ना। स्टर्नम यह संख्या में 1 होती है, इसे ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। यह बिल्कुल सामने की ओर पाई जाती है और पतली और चपटी बोन होती है, जिसका आकार लगभग टी शेप में होता है। यह 7 पसलियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करती है, इससे क्लेविकल यानी कॉलर बोन भी जुड़ी हुई होती है। यह वक्ष गुहा का आगे का भाग बनाने का कार्य करती है। स्टर्नम 3 छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट मैनुब्रियम,
सेकंड बॉडी और थर्ड ज़िफाइट। मेनुपिरम एक ट्रायंगुलर बोन होती है, यह क्लेविकल से जुड़ी हुई होती है, फर्स्ट रिब को जुड़ने का स्थान प्रदान करती है तथा मेनुब्रियम व बॉडी का जो जॉइंट पाया जाता है उस स्थान पर सेकेंड रिब को जुड़ने का स्थान प्रदान करती है। बॉडी यह स्टर्नम का सबसे लंबा व मध्य भाग होता है। मेनुब्रियम और बॉडी के जॉइंट पर सेकेंड रिब आकर जुड़ती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ रिब को जुड़ने के लिए यह बॉडी स्थान प्रदान करती है। इसके बाद में आता है ज़िफाइड प्रोसेस। ज़िफाइड प्रोसेस सबसे छोटा और ट्रायंगुलर पार्ट होता है। यह पहले कार्टिलेज से बना हुआ होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे यह बोन्स में परिवर्तित होता चला जाता है। यह डायफ्राम तथा एब्डोमिन की पेशियों से जुड़ा होता है। बोन्स ऑफ थोरेसिक कैविटी में सबसे पहले आता है स्टर्नम 1 नंबर, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 नंबर और रिब्स 12 पेयर्स, यानी 12 लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में। स्टर्नम से रिब्स जुड़ी हुई रहती है, रिब्स पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ती है। तो यह है एक पूरे एक गुहा के रूप में यानी कैविटी के रूप में वह मिलकर कार्य करती है, जिनसे जिनके भीतर हमारे कई अंग सुरक्षित रहते हैं। थैंक यू।